हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्यदेव। गाइस, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी फिंगर से अपने एंड्रॉइड डिवाइस में अपने बटन्स को स्क्रॉल करते हैं, मींस किसी भी इमेजेस को रही बात स्क्रॉल करना सीखते हैं। और ये कोड रहेगा सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन का। मैं अपनी यूनिटी पर जंप करता हूँ और आपको सिखाता हूँ कि क्या मैं आज सिखाना चाहता हूँ। ये मेरे पास कुछ है, मैं इसे प्ले करता हूँ तो मेरे पास ये स्क्रीन आ गई है। सो गाइस, अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ पर क्या क्या है, मेरे पास कुछ बटन्स हैं। पहली बटन ये है जिससे मैं अपने पीछे वाली सीन पर जा सकूंगा। सेकंड इमेज है मेरे पास जो बैकग्राउंड को कवर कर रही है, और बाकी के मेरे पास कुछ बटन्स हैं। अभी फिलहाल मेरे पास 6 बटन्स हैं। मान लीजिए मेरे को ज़्यादा बटन्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, या फिर तो मैं यहाँ पर मैनेज करूँ या फिर मैं थोड़ा आगे। तो मैंने क्या किया, इसे अगर मैं फिंगर से इसे स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे पास जितने भी बटन्स मैं चाहूँ उतने मेरे पास आ सकेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पर 11 लेवल्स बनाए हैं और यहाँ पर लिख दिया है सोन। अगर मैं इन पर किसी पर भी क्लिक करता हूँ तो मेरी वो लेवल जनरेट हो जाएगी। सी गाइस, अब मेरी लेवल जनरेट हो गई, इसे मैं अनप्ले कर। सो गाइस, मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग से ले चलता हूँ। मेरे पास जब मैं अपने सीन को ओपन करता हूँ, न्यू सीन को, तो मेरे पास क्या क्या होता है, बस मेरे पास एक मेन कैमरा होता है और कुछ भी नहीं। तो मैंने क्या लाया, इसमें एक इमेज लाया यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जो आसान है वो आप कर सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक कैनवास चाहिए जिसके लिए मैं ये सब कर रहा है। तो मैं कैनवास पर क्लिक करूंगा। इस कैनवास के साथ साथ एक इवेंट सिस्टम भी आएगा। सो गाइस, अभी क्यों नहीं आया, बिकॉज मेरे पास ये पहले से ही है इधर, तो मैं इधर ले आता हूँ इसे। अब इस कैनवास में मुझे एक इमेज चाहिए होगी, वो मेरी कैनवास को कवर करेगी। तो मैं ये इमेज चूज करना है, इसमें जाके इमेज मैंने चूज की तो मेरे पास ये इमेज आ गई। इस पर मुझे डबल क्लिक करना है तो मेरे पास ये इमेज आ जाएगी जो कैनवास के सेंटर में होगी। अब मुझे क्या करना है गाइस, इस इमेज को इस पूरे कैनवास पर कवर करना है। तो एक शॉर्टकट ट्रिक है, या फिर तो मैं ऐसे करूं, इसे सिंपली ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूं और इधर ले जाऊं, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो मुझे क्या करना होता है, एंकर पे क्लिक करना होता है और ऑल्ट प्रेस करना होता है। ऑल्ट मैंने प्रेस किया तो आप देख रहे हैं ये साइन चेंज हो चुके हैं। मैंने ऑल्ट प्रेस कर रखा और इस पर क्लिक करना है, तो क्या होगा, जो भी मेरी इमेज होगी वो चारों डायरेक्शन में कवर कर लेगी। अभी हो चुका है, मैंने ऑल्ट प्रेस किया तो मेरे पास जो भी मेरी इमेज थी वो चारों डायरेक्शन में कवर हो चुकी है, हाँ, है ना। अब मुझे क्या करना है, इसका अल्फा, जो ये अल्फा वैल्यू, इसको 0 कर देनी है। मुझे क्या करना था, मुझे सिंपली एक इमेज चाहिए तो जो इस कैनवास को कवर कर सके, हाँ ना। सो फाइनली इतना आपको समझ में आता है। अब मुझे सिंपल चाहिए बटन्स, जो लेवल के बटन्स होंगे। तो मैं जाऊंगा इस इमेज पर क्लिक करूंगा, यूआई पे जाऊंगा और बटन को चूज करूंगा। बटन मेरा ये रहा। अब मेरे पास ये सिंपल बटन आ चुका है। आपको क्या करना है, ये बटन की इमेज है वो क्या करना है, किसी फोल्डर बनाना है। फोल्डर कैसे बनाते हैं, हम एसेट पर क्लिक करते हैं और उसके बाद राइट क्लिक, क्रिएट और फोल्डर। जैसे मैं क्रिएट फोल्डर पर करूंगा तो मेरे पास एक नया फोल्डर आएगा, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने इसका नाम रख दिया न्यू एसेट्स। अब मैं क्या करूंगा, इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये एमपीटी आ जाएगा, और इस पर अगर राइट क्लिक करूंगा और इंपोर्ट न्यू एसेट्स पर क्लिक करूंगा तो मैं अपने इमेजेस को इंपोर्ट कर सकूंगा। गाइस, जहां पर भी वो इमेजेस हैं वहां आप जाना और सिंपली इसे चूज करना और इस इंपोर्ट पर क्लिक कर देना तो वो आ जाएंगी। तो मैं सिंपली अपने पास इंपोर्ट है जो मेरे पास, वो मैं आता हूँ। अब मुझे क्या करना है, बटन पर जाना है और इसमें ये इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है। तो गाइस, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक इमेज दिखने लगी, रिसाइज करना है और इसे अपनी जगह पर पुट कर देना है। यहाँ पर एक टेक्स्ट भी होगा, इस टेक्स्ट को मुझे चेंज करना है 01 में, इसे नॉर्मल से बोल्ड में करना है और अप्रोक्स इसका फॉन्ट साइज 35 कर देना है। अभी ये ब्लैक कलर की है तो आपको नहीं दिख रही होगी, इसे मैं व्हाइट कलर का कर देता हूँ तो आपको आप आसानी से दिख रहा होगा। सो गाइस, मेरा ये बटन आ गया, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, मैंने रख दिया इसका नाम लेवल 01। ऐसे ही मुझे बहुत सारे बटन्स करने हैं, मैं सिंपली इसे कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो मुझे कंट्रोल डी करना है प्रेस, मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया और ये मुझे टूल को चूज करना है। अब मुझे इसका रिसाइकल करना है, वो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। सो गाइस, मैंने ये कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, इनकी टेक्स्ट जो 01 हर जगह लिखी है उनको चेंज करना है। एक जगह 01 है तो 02 ऐसे मुझे चेंज करना है, तो मैं चेंज भी कर देता हूँ आपके लिए। सो गाइस, अपने इतना काम कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, ये आप आसान था, ये आप खुद भी कर सकते थे। अब मुझे क्या करना है, एक एमपीटी गेम ऑब्जेक्ट लाना है। तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली कैनवास पर जाना होगा, उस पर राइट क्लिक करना होगा और एमपीटी
क्रिएट एम्प्टी पे क्लिक करना होगा। क्रिएट एम्प्टी पे मैंने क्लिक किया, अब मुझे क्या करना है गाइस, जितने में भी मुझे अपनी फिंगर से स्क्रोल कराना है बैकग्राउंड, उसको कवर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे कितना चाहिए, जितने पर मेरे बटन्स हैं उतना, और ले जाके मैं इसके एंड तक कवर कर दूंगा उसको, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी फिंगर चलाता जाऊं और एम्प्टी चीज भी आती जाए, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां तक स्क्रोल कराना है, इट्स फाइन। अब रही बात कि मुझे इमेज पर जाना है और इस इमेज पर क्या सर्च करना है, स्क्रोल रेक्ट पे क्लिक करना है। अब रही बात इसमें कुछ ऑप्शंस आ गए वो समझता हूँ, इसमें आ गया कंटेंट वो अभी मैं समझाता हूँ। अभी सेकंड आता है उसमें कि मुझे हॉरिजॉन्टली से स्क्रोल कराना है अपनी फिंगर से या फिर वर्टिकली। सो गाइस अभी मुझे हॉरिजॉन्टली कराना है बिकॉज ऐसे कराना है, तो वर्टिकल पे मैं अनचेक कर देता हूँ। अब ये बोलता है कि कंटेंट अपना दो, कंटेंट क्या है मैं अभी इसका नाम कंटेंट कर देता हूँ। कंटेंट होता है गाइस जो जितना भी मुझे स्क्रोल कराना है, जो कि मेरी ये सारी लेवल्स हैं, मैंने इसे शिफ्ट करके प्रेस किया, क्लिक किया, चूज किया और कंटेंट में मैंने इसे पुट कर दिया, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। अगर मैं इसे अब प्ले करता हूँ, मैंने इसे प्ले किया तो आपने देखा एक गड़बड़ हुई, क्या गड़बड़ हुई वो मैं बताता हूँ कि ये सारी इमेजेस मेरे को एक साथ दिखने लगी। मुझे कैनवास पे जाना है और कॉन्स्टेंट पिक्सल साइज को चेंज करना है स्केल विद स्क्रीन साइज। सो अब मैंने ये सारी लेवल्स तो इस कंटेंट में डाल दी, तो अब मुझे ये कंटेंट को पुट करना है इस वाले सेक्शन में, मुझे जाना है इसे चूज करना है और इसमें से पुट कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी इस कंटेंट में प्रेजेंट है वही चीज स्क्रोल होगी, है ना। अब मैं इसे अगर प्ले करता हूं तो मैं स्क्रोल कर सकूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इसे प्ले किया तो आप देखना अब ये स्क्रोल हो रहा है। ये कितना स्क्रोल हो रहा है, जितने तक ये मेरी कंटेंट की लेंथ है, सी गाइस, है ना, इसके बाहर स्क्रोल नहीं होगा। आप समझ गए होंगे ये आसान टॉपिक, आसान कॉन्सेप्ट था। अब रही बात कैसे मैं बटन स्क्रिप्ट यूज करूंगा, अब मुझे एक स्क्रिप्ट लिखनी है, वो मैं इसे कैसे करूंगा, इसमें अपने एसेट वाले फोल्डर में जाना है, राइट क्लिक करना है, क्रिएट पे जाना है और सी शार्प स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देना है। इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया मेन्यू, और अगर मैं इसे डबल क्लिक करूंगा तो ये विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाएगी। ये विजुअल स्टूडियो में ओपन हो चुकी है। अभी मैं फिलहाल इन नेम स्पेसेस को हटा देता हूँ और इन दो फंक्शंस को, बिकॉज अभी मुझे इन दोनों फंक्शंस की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है गाइस, सिंपली एक स्टेटमेंट यूज, एक नेम स्पेस को इंसर्ट करना है जिसका नाम है यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट। ये क्या करेगा, हमको सीन को इनपुट करने में मदद देता है। अभी मैं क्या करता हूँ वो समझाता हूँ। अभी मुझे एक फंक्शन बनाना है और वो ले दो मेथड, तो मैंने लिखा पब्लिक void और इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने रख दिया इसका नाम सीन चेंजर। सीन चेंजर मतलब क्या है कि मैं अपने सीन को चेंज कर सकूंगा इस फंक्शन की हेल्प से, और इसके अंदर मुझे लिखना है सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, और लोड सीन का इसमें नाम रखूं या फिर इंडेक्स कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैं एक इंडेक्स पास करूंगा अपने इसमें और इस इंडेक्स को इसमें मैं पास करता हूँ, बस इतना सा कोड था। इससे क्या होगा, मैं अपने बटन पर ये स्क्रिप्ट अटैच करूंगा जो लेबल्स हैं, और उस पर अपने इंडेक्स दे दूंगा कि इस बटन को क्लिक करने से मुझे किस सीन को ओपन करना है। जिसका इंडेक्स होगा इसमें गिवन वही सीन ओपन हो जाएगा। अभी मैं इसे सेव करता हूँ, अपने यूनिटी पर जंप करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इन सारे बटन्स को चूज कर लेना है। सो अब मुझे क्या करना है गाइस, इस स्क्रिप्ट को किसी भी गेम ऑब्जेक्ट पर अटैच करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बैकग्राउंड इमेज पर ही अटैच कर दिया। और रही बात अब मुझे क्या करना है, हर बटन में जो ये 12 बटन है उन पर ये स्क्रिप्ट को अटैच करना है। वो कैसे करूंगा, मैं सिंपली इन बटन्स को चूज करता हूँ। जब मैंने इन बटन्स को चूज किया तो मेरे पास यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट होगा, इसको मुझे प्लस करना है और इस बैकग्राउंड इमेज को इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। क्यों करना है, बिकॉज ये वाली स्क्रिप्ट इस बैकग्राउंड इमेज पर अटैच है और वहीं से मुझे फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो अब मुझे अपनी स्क्रिप्ट का नाम है मेन्यू और इसमें मुझे मेन्यू चूज करना है। मैंने मेन्यू चूज किया और अपने बटन को कॉल करना है। ये कुछ बाय डिफॉल्ट बटन है, मेरे बटन का नाम था, मेरे मेथड का नाम था सीन चेंजर। तो मेरे पास क्या आ गया, इसमें किस वाले सीन को मुझे ओपन करना है जब मैं इस वन को क्लिक करता हूं। मैं फिलहाल इधर वन लिखता हूं बिकॉज मैंने फर्स्ट लेवल को इंडेक्स वन दिया है। वो कैसे करते हैं, मुझे कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करना है, तो इससे क्या होगा, बिल्ड सेटिंग हमारे पास आ जाएंगी।
ये कुछ लेवल्स है जो मैंने इस गेम में यूज किए हैं। फर्स्ट लेवल को मैंने इंडेक्स दिया है 1, सेकेंड को 2। ओके, तो इस वजह से मैंने फर्स्ट बटन पे लिख दिया यहाँ पर 1, सेकेंड बटन पे मैं लिख दूंगा यहाँ पर 2, तो क्या होगा, सेकेंड लेवल जनरेट होगी। ऐसे ही आप सारे कर सकते हैं। सो गाइज, अब मैं सिर्फ प्ले करता हूँ, तो आपने देखना जैसे ही मैं फर्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास अपनी फर्स्ट लेवल ओपन हो जाएगी। इट्स फाइन, आज के लेक्चर में इतना ही। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा। मैं आपको इस गेम की लिंक भी दे दूंगा जो प्ले स्टोर पर मैं अपलोड करूंगा, वो आप उसे डाउनलोड करके देखना मैंने कैसा बनाया, रिव्यू देना कि कैसा आपको लगा। ओके, एंड फाइनल, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको और वीडियोस चाहिए यूनिटी पर, किस टॉपिक पे चाहिए, आप कमेंट करके कह सकते हैं, मैं उस पर बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।